चलिए बेटा स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं अपन ने कल क्या पढ़ा था। सबसे पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था कल वर्कफोर्स डेवलपमेंट का, मतलब हमारे अपने बंदों को अपने को स्किल्ड नहीं बनाना है, उन्हें हमें मल्टी स्किल्ड बनाना है, ठीक है। सेकंड, मेंटेनेंस वही करेंगे ऐसा नहीं है, लिमिटेड मेंटेनेंस, डे टू डे रूटीन पर जो भी मेंटेनेंस होता है वो खुद करेंगे। प्रोडक्ट में एरर है या वो हमारे अकॉर्डिंगली बना है या नहीं बना, ये भी वो चेकिंग का काम करेगा सामने वाला। प्लस उसको एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि कब प्रॉब्लम एबनॉर्मल मानी जाए, जब मशीन का फाउंड इस प्रकार से आता है तो उसको उस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर इस फाउंड आपको मिले तो आप मान के चलिएगा आपको वहां पे प्रोडक्शन रोक देना है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है प्रोडक्शन करने की, हमारा तो यही ठीक का टारगेट है पहली बार में ही चीजों को सही मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे तो आपको कंपेंसेशन सिस्टम भी उनका रिवाइज करना पड़ेगा। बोनस अब प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से ना देकर उन्हें प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। अब ये नहीं देखा जाएगा उन्होंने कम समय में ज्यादा यूनिट बनाया, अब ये देखा जाएगा क्या उन्होंने पहली बार में ही सही यूनिट बनाया है या नहीं बनाया। क्लियर? चल फिर सेकेंड पार्ट जो था इसका, वेरियांस रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपने पढ़ ही लिया था, इसमें बहुत सिंपल है। फिर इंपैक्ट ऑफ जेआईटी सिस्टम देखे थे अपन ने, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हैं और कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट डेफिनेटली बचना है, एलिमिनेट नहीं होना है, डेफिनेटली वो बचना है। ज्यादा बेटर कस्टमर सर्विस हम दे पाएंगे क्योंकि अब जो हम उसे प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं वो बिल्कुल रिसेंटली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, कोई बहुत ज्यादा स्टॉक से हम उनको पुश आउट नहीं कर रहे हैं, डिमांड पुल हुई है तभी उनके लिए प्रोडक्शन हुआ है, तो रीसेंट प्रोडक्शन अगर उनको जाएगा तो प्रोडक्ट क्वालिटी उनको अप टू डेट जाएगी। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जब आप यहां पे बोलते हैं कि हमें कांस्टेंट प्रोडक्शन नहीं करना है, हमें प्रोडक्शन तभी करना है जब हमारी डिमांड पुल होगी, तो कोई कोई पीरियड में कोई कोई मंथ में हो सकता है आपको ओवरटाइम करना पड़े, तो ओवरटाइम की जो कॉस्ट है डेफिनेटली वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज है जेआईटी का। स्टॉकआउट भी हो सकता है क्योंकि इतने सालों से जो आप सिस्टम चला रहे हैं अचानक अगर आप देखेंगे कि वो सिस्टम में चेंज आया है तो आपको चेंज हैबिट में चेंज लाने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो उस पीरियड में स्टॉकआउट हो सकता है। तो ये इंपैक्ट पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, दोनों बैलेंस करके देखना पड़ेगा हमारे लिए फायदेमंद क्या है। फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक था इसी में, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आपने जेआईटी लगा दिया है, ठीक है, अब आप अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना चाहते हैं तो एज पर स्टडी मटेरियल तीन ऐसे बेस हैं जो अब इनअप्रोप्रिएट माने जाएंगे जेआईटी में फॉर मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग योर परफॉर्मेंस। क्या क्या से? मशीन यूटिलाइजेशन, पीस रेट ट्रैकिंग और अपना लास्ट था लेबर एफिशिएंसी। ये तीन आधार पे अब आप अपना जेआईटी में परफॉर्मेंस इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो फिर आईसीएनए में कई सारे मल्टीपल बेस दिया था जिसको बेस बनाकर आप चेक करेंगे क्या जेआईटी के कारण हमें कुछ बेनिफिट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट था इन्वेंट्री टर्नओवर। ताइची ओनो जो टोयोटा के ओनर थे उन्होंने जब ये लगाया था तो उन्होंने 70 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करा था। फिर सेटअप टाइम है, फिर एक बहुत अच्छा था आइडियाज जनरेटिंग। वर्कर अगर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं मतलब डेफिनेटली ये सिस्टम आपका बेटर है, और वर्कर अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आप कितने भी अच्छे सिस्टम लगा दो वो सब फेल्योर है। तो इसमें हम देखेंगे आइडियाज पर वर्कर, आइडियाज इन टोटलिटी, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें जो आइडियाज आए हैं उसमें से इंप्लीमेंट कितने हुए, एक्सिक्यूट कितने हुए, इसका प्रपोर्शन भी हम देखेंगे। क्योंकि जितने ज्यादा आइडिया एक्सिक्यूट होंगे डेफिनेटली वो आइडिया फिर हमारे वर्कफुल है हमारे काम के। फिर वेस्ट रिपोर्टिंग था, कस्टमर सर्विस था, फिर वो नॉर्मल पॉइंट थे। मेन ये तीन चार पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, हम कैसे अपना परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। क्लियर? चल फिर अपन ने एक क्वेश्चन देखा था, हाँ पहले बैक फ्लज देखा था। बैक फ्लज जैसे ही आएगा आपको तुरंत याद आना चाहिए जो भी अकाउंटिंग होगी वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के आधार पर होगी। हम यह मान के चलेंगे कि जितना खर्चा लगना चाहिए था उतना ही लगा है, न कम न ज्यादा। तो जब जो सिक्वेंशियल ट्रैकिंग होती है, सिक्वेंशियल ट्रैकिंग का मतलब जिस समय जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसी समय उसकी जनरल एंट्री पास की जाए, इसका जस्ट अपोजिट है बैक फ्लज कॉस्टिंग। ये बोलता है पहले प्रोडक्शन हो जाने दीजिए फिर वर्क बैकवर्ड जाएंगे, उनमें से भी दो ट्रिगर पॉइंट मतलब दो जनरल एंट्री कर लेंगे, तीन ट्रिगर पॉइंट मतलब तीन जनरल एंट्री कर लेंगे। वो दो या तीन एंट्री क्या होगी वो आपका और मेरा लोड नहीं है, वो डेफिनेटली अपने को क्वेश्चन बताएगा कि आपको कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट पर एंट्री करना है। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे स्पेशल क्या था, एक पॉइंट तो रिपीटेशन ही था कि जब आप होल्डिंग कॉस्ट निकालें तो आपको एवरेज स्टॉक पर होल्डिंग कॉस्ट निकालना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ दैट पीरियड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दैट पीरियड डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट, ये तो सिंपल था। फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट था इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जीआईटी में ओवरटाइम करने के कारण आपको ओवरटाइम कॉस्ट तो आएगी आएगी, साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट था पीरियड वन में जो नॉन जीआईटी में यूनिट 30 रुपए में बनी, वही यूनिट आपने पीरियड थ्री और फोर में 32.5 और 35 में बनाया, तो इसके कारण भी आपकी जीआईटी में प्रोडक्शन कॉस्ट कंपेरेटिवली बढ़ेगी। क्लियर, अच्छा पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर फोर में सबसे स्पेशल पॉइंट था, हम 3000 का स्टॉक आउट ही रहने दें या उसको रिड्यूस करके 2000 कर ले, मतलब 1000 का स्टॉक आउट होने से हम रोक सकते हैं अगर लेबर हमारा ओवरटाइम करे। इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली जाएगी वो कंट्रीब्यूशन से निकाली जाएगी, और कंट्रीब्यूशन निकालना यहां पे क्या स्पेशल था, अब जीआईटी में आपके जो मटेरियल पर यूनिट लग रहा था वो मटेरियल पर यूनिट अब 30% से बढ़ जाएगा, तो जितने से आपका खर्चा बढ़ेगा उतने से ही आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम होना है, तो ये बड़ा अच्छा कैलकुलेशन था। 2010 अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था, तो ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है, इसको आप यूनिट्स में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं पता लगा पाएंगे एक्चुअल आउटपुट कितना है, और जब तक एक्चुअल आउटपुट नहीं पता लगेगा तब तक आपको मटेरियल कितना इश्यू किया है अंडर बैकफ्लश कॉस्टिंग, ये आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यह भी अच्छा पॉइंट था अपने आप में। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स में, ये बात लास्ट क्वेश्चन इस जीआईटी के टॉपिक का, अपन लीन सिस्टम पढ़ रहे हैं, लीन सिस्टम का पहला पार्ट जीआईटी जस्ट इस क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर अपन केजन कॉस्टिंग में आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आइए, बी लिमिटेड यूजेस अ बैकफ्लश कॉस्टिंग सिस्टम, और कहां पे बैकफ्लश कॉस्टिंग सिस्टम यूज होता है, जस्ट इन टाइम पे विद द थ्री ट्रिगर पॉइंट्स। थ्री ट्रिगर पॉइंट मतलब आपको पहले प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, सेल पे ध्यान देना है, जब ये हो जाए तो वर्क बैकवर्ड, और फिर उनमें से तीन जनरल एंट्री आपको करना है। पहली जनरल एंट्री परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ओके, कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ प्रोडक्ट, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री करना है, कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स WIP अब किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया वाली एंट्री करना है, और एक लास्ट सेल ऑफ फिनिश गुड्स की एंट्री करना है। आपको मान के चलना है देयर आर नो बिगनिंग इन्वेंट्री, डेटा फॉर द मंथ दिया है, डायरेक्ट मटेरियल परचेस कैश की एंट्री होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना होके जब हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा सेल हो जाएगा तब हम वर्क बैकवर्ड जाएंगे, तब इसकी जनरल एंट्री अपन यहां पे कर लेंगे। तो पहला डायरेक्ट मटेरियल परचेस, सेकेंड डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 4,25,000, कन्वर्शन कॉस्ट इनकर्ड मतलब ये जेब से लगा है, कन्वर्शन कॉस्ट अलोकेटेड मतलब जो आउटपुट आया है उसमें इतना खर्चा लगना चाहिए था, और बैकफ्लश क्या मान के चलेगा, उतना ही खर्चा इनकर्ड हुआ है जितना लगना चाहिए था, वहां पे एक प्रकार से पट्टी बांध लेता है कि भैया खर्चा ज्यादा लगा ही नहीं है। कॉस्ट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,95,000, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर जनरल एंट्री फॉर द मंथ विदाउट डिस्पोजिंग ऑफ अंडर अलोकेटेड और ओवर अलोकेटेड कन्वर्शन कॉस्ट। डेफिनेटली यहां पे अंडर रिकवरी है आपकी, क्योंकि कन्वर्शन कॉस्ट है आपकी 2,00,000 रुपए अलोकेटेड, जबकि इनकर्ड हुई है आपकी 2,11,000, तो 11,000 का यहां पे आपका अंडर अलोकेटेड कॉस्ट है, लेकिन इसको आपको कोई भी एंट्री नहीं करना है, ब्रैकेट में क्लियर कट लिखा है विदाउट डिस्पोजिंग ऑफ, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो डायरेक्ट मटेरियल वेरियंस, मतलब जितने में खरीदना था उतने में खरीदा गया और जितना कंज्यूम होना था उतना ही कंज्यूम हुआ है, न कम न ज्यादा। तो सिंपली आपको जनरल एंट्रीज करना है और तीन जनरल एंट्रीज करना है, पहला परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, सेकेंड कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स WIP से जब आपका फिनिश गुड्स तैयार हो गया, और सेल ऑफ फिनिश गुड्स जब आपने फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचा उसकी एंट्री आपको करना है, दैट्स ऑल। और यह मान के चलना है कि जितना खर्चा लगना चाहिए था उतना ही लगा है, न कम न ज्यादा, बिकॉज वी आर यूजिंग द बैकफ्लश कॉस्टिंग सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। क्लियर, चल लिखो बेटा जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड,
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, दो पार्ट है इसके, अभी अपन पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपी एंड क्रेडिट रुपी। पहला पार्ट, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री आपको करना है, ठीक है। तो मटेरियल परचेज हुआ तो एसेट बढ़ी, तो इसको हम बोलेंगे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे बी मटेरियल परचेस्ड। तो कितने का मटेरियल मैंने परचेस किया जरा देखिए आप, कितने रुपए का मटेरियल अपन ने परचेस किया है, 4,40,000 रुपए का। तो ये पहला ट्रिगर पॉइंट की एंट्री उसने बोला था, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल की आपको एंट्री करना है, तो अपने परचेस ऑफ रॉ मटेरियल की यहां पे एंट्री कर दी। सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्या बोला है सेकेंड पॉइंट इसमें, कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स जो कंप्लीट हुआ, तो चेक करिए फिनिश गुड्स कितने रुपए का कंप्लीट हुआ है, 6,25,000 से। तो एक नई एसेट क्रिएट हुई फिनिश गुड्स के नाम से और एक पुरानी एसेट आपकी खत्म होगी WIP वाले। तो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कौन सी एसेट आपकी अब खत्म हो गई, WIP वाली, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। नरेशन वही आ जाएगा, बीइंग बीइंग फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अकाउंट, ठीक है। कितने का फिनिश गुड्स रेडी हो गया अपना, 6,25,000 का। फिर थर्ड जनरल एंट्री आपकी होगी, इसमें आपको एंट्री करना है सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट कितना, 5,95,000। एक नई एसेट जनरेट हुई और आपका क्या कम हो गया, फिनिश गुड्स का स्टॉक कम हो गया आपका, 5,95,000 टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। नरेशन वही लिख देंगे, बीइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सिंपल। नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, आप उस पर क्या लिख रहे हैं वही नहीं चेक करता, लेकिन लिखना इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, बैक फ्लश कॉस्टिंग कभी भी इसका क्वेश्चन आता है तो एक या दो बार अगर आपने इसकी रीडिंग लगाई ना जनरल एंट्री की, आराम से ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं, कम से कम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आया। ये हुआ इसका पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा है, वो अप्लीकेशन पार्ट है आपका, सेकेंड पार्ट अप्लीकेशन पार्ट है। मैं चाहूंगा आप एक बार इसका रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़े सेकेंड पार्ट का, और यह चेक करें क्या हमें सेकेंड पार्ट में भी जनरल एंट्रीज करना है, क्या जनरल एंट्री पास करना है क्या। सेकेंड पार्ट पढ़िए आप रिक्वायरमेंट, अब धीरे धीरे रिक्वायरमेंट पार्ट का लेवल बढ़ते चलेगा, जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ेगा तो अब जो मास्टर की होगा वो हमेशा रिक्वायरमेंट पार्ट होगा। क्या हमें जनरल एंट्री करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए, मैं पहले शुरुआत वाले वर्ड्स नहीं पढ़ रहा हूं। हाउ वुड द अमाउंट इन योर जनरल एंट्रीज डिफर फ्रॉम द जनरल एंट्रीज इन वन अमाउंट, सिर्फ आपको ये बताना है जो आपने ऊपर 3 जनरल एंट्रीज किया है उनके अमाउंट में क्या डिफरेंस आएगा, किस सिचुएशन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है, अंडर एन आइडियल JIT प्रोडक्शन सिस्टम, बिल्कुल वो किताबी ज्ञान वाला, अगर आपने JIT लगाया है तो क्या डिफरेंस आएगा जो आपने जनरल एंट्रीज किया है वन में, 3 जनरल एंट्री आपने पास किया है उनके अमाउंट में क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहली बात तो अपन ने 3 जनरल एंट्री क्या किया है भाई,
ये वाली क्या है, आइडियल जेआईटी सिस्टम में इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना है एंट्री नंबर थर्ड में, क्योंकि कस्टमर जितनी डिमांड करेगा डेफिनेटली हम उतना बेचेंगे। कहीं जेआईटी हमें नहीं रुकता कि आपको इतना सेल नहीं करना, भाई सेल करिए, बिजनेसमैन हो आप, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हो, सेल तो आपको करना ही पड़ेगा, बल्कि और एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, ओवरटाइम कर लो, लेकिन सेल तो आपको करना है। तो 5,95,000 रुपी पर कोई चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा वो 625 पे आएगा, क्योंकि एक आइडियल जेआईटी सिस्टम क्या बोलता है, जितनी डिमांड पुल हुई है ना उतना ही प्रोडक्शन करना है, ना कम ना ज्यादा। जबकि आपने अभी प्रोडक्शन कितना कर लिया, 6,25,000 का मतलब डिमांड से आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया है, डिमांड से बिल्कुल भी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है। आइडियल जेआईटी सिस्टम बोलता है जितना आपको प्रोडक्शन करना, जितनी सेल हुई है बस उतना ही आपको प्रोडक्शन करना था, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, क्लियर। और मटेरियल भी फिर आपको उतना ही परचेज करना था जितना आपका कंज्यूम हुआ है। तो 6,25,000 के प्रोडक्शन के लिए हमारा कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, परचेज नहीं कंज्यूम, 4,25,000। तो डेफिनेटली अगर हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कम होगा। तो कैलकुलेट कीजिए बेटा, 4,25,000 डिवाइडेड बाय 6,25,000 इनटू, अब अपन प्रोडक्शन ही कितना करेंगे, 5,95,000, तो कंजम्पशन कितना होगा निकालिए, 4,04,600 का आपका कंजम्पशन होगा। इतना ही मटेरियल आपको परचेज करना है, क्योंकि एक आइडियल जेआईटी सिस्टम बोलता है जितना आपका कंजम्पशन हुआ है उससे ज्यादा आपको परचेज करना अलाउड नहीं है। बड़ा अच्छा पार्ट था सेकंड पार्ट, एक आइडियल जेआईटी सिस्टम में आपने जो एंट्रीज किया है वन में, उन एंट्रीज में क्या डिफरेंस आएगा, आपको एंट्री नहीं करना है, सिर्फ एंट्रीज का डिफरेंस बताना था, ठीक है। तो लिखिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में ए पार्ट, देयर विल बी नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ एंट्री नंबर थर्ड, there will be no change in the amount of entry number third because whatever the demand is we have to fulfill, the same. जो भी डिमांड आएगी भाई हमें उसको फुलफिल करना पड़ेगा, बल्कि हम तो जेआईटी में यहां तक रेडी है, ओवरटाइम भी करना पड़ेगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी पार्ट, देयर विल बी नो चेंज, एंट्री नंबर टू विल बी नाउ रूपी 5,95,000, because production quantity will be strictly restricted to 5,95,000 उससे ज्यादा आपको बनाना ही नहीं है। जितनी डिमांड आपकी पुल्ड हुई है बस उतना ही आपको प्रोडक्शन करना है। तो जब 595 की सेल हुई है तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्शन भी कितना करना है, 595। थर्ड, एंट्री नंबर वन बी, वन विल बी नाउ 4,04,600। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है बेटा इसका, 4,25,000 कंज्यूम हुआ है कितने के लिए, 6,25 के लिए। हमें तो अब कितना प्रोडक्शन करना है, 595, तो
तो जितना प्रोडक्शन करना है उसमें जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ लगेगा नहीं, वो तो ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है उतना, जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ सिर्फ उतना ही आपको परचेज करना है, और वो भी कम्युनिकेशन अलग से नहीं करना है, ईडीआई के थ्रू आपके सप्लायर को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, बिकॉज परचेज क्वांटिटी विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर प्रोडक्शन। जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है सिर्फ उतना ही आप परचेज कर सकते हैं, उससे ज्यादा परचेज करने की ऑथोरिटी आपको नहीं है। तो एक अच्छा पार्ट था सेकंड पार्ट कि एक आइडियल जीआईटी सिस्टम में सबसे पहले सोच यहां पे जाना चाहिए था, स्टार्ट कहां से होता है जीआईटी, जब डिमांड पुल होगी, जितनी डिमांड पुल हुई उतना बेचना है, उतना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, उसको फिर प्रोडक्शन करना, उतना ही प्रोडक्शन करना है जितनी डिमांड पुल हुई, उस प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल भी आपके पास अवेलेबल है, पर जितना आपने कंज्यूम किया है उतना ही रॉ मटेरियल का ऑर्डर आपको प्लेस करना। तो बड़ा ही अच्छा पार्ट है पार्ट नंबर टू, बड़े ये खत्म होता है बेटा आपका लीन सिस्टम का पहला टॉपिक जिसका नाम है जस्ट इन टाइम। ये आपको स्टडी मटेरियल में कहां पे मिलेगा, चैप्टर नंबर थर्ड में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब मैं बोल रहा हूं स्टडी मटेरियल के, आपको चैप्टर नंबर थर्ड में आप इंडेक्स में लिख लीजिएगा कौन से चैप्टर में अवेलेबल है, तो एक बार गो थ्रू स्टडी मटेरियल, सिर्फ आप पेजेस पलटाइए, एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप जो भी अपन क्लास में पढ़ रहे हैं वो स्ट्रिक्टली एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो एक आपको एक और एडवांटेज मिलेगा, फिर आपको अलग से स्टडी मटेरियल को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट दो मिनट दीजिए, आप पेजेस पलटाते जाइए, देखते जाइए अपन ने सभी चीजें इसमें कवर किया है या नहीं किया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, उसका कॉन्फिडेंस तब और जनरेट होता है जब उसे लगता है कि हाँ जो पढ़ा जा रहा है वो बिल्कुल एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल पढ़ा जा रहा है, जितना वेटेज उन्होंने दिया उतना ही वेटेज अपन ने इसको दिया, न कम न ज्यादा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन लीन सिस्टम का सेकेंड पार्ट है, केजन कॉस्टिंग या काइजन कॉस्टिंग, अपन केजन कॉस्टिंग काइजन कॉस्टिंग जो भी प्रोनाउंस करना है वो कर सकते हैं। आइए अब इसके सेकंड पार्ट में केजन कॉस्टिंग हेडिंग दीजिए आप, पहले इसका एक सिंपल सा मतलब लिख देते हैं, जैपनीज टर्मिनोलॉजी है केजन कॉस्टिंग, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होता है, इट्स अ जैपनीज टर्मिनोलॉजी वेयर K means change and Gen means betterment together, change for betterment। एक जैपनीज टर्मिनोलॉजी है केजन कॉस्टिंग, जहां पे के का मतलब होता है चेंज, जेन का मतलब होता है बेटरमेंट, दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो अपन बोलेंगे चेंज फॉर बेटर। और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मतलब आप इसको रियल लाइफ में भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो जीआईटी था वो तो सिर्फ और सिर्फ बड़े बिजनेस टाइकॉन के लिए था, वो छोटी मोटी कंपनी को लेनी, जबकि जो काइजन कॉस्टिंग वाली जो फिलॉसफी है ना, जो सोच है, थिंकिंग है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में लगेगी, चाहे एक बंदे का टर्नओवर एक दिन का 2000 रुपए है, चाहे एक बंदे का टर्नओवर एक दिन का 2 करोड़ रुपए, सभी को इक्वली बेनिफिट करती है ये काइजन कॉस्टिंग वाली फिलॉसफी। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट में आपको देना चाह रहा हूं,
पहले आप अपने लेवल पे पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री एंड फोर, टोटल इस पेज जो पेज नंबर 130 है, ये एक बार अपने लेवल पे आराम से, मैं नहीं बोलूंगा न्यूज़पेपर रीडिंग लगाइए, बिल्कुल आराम से एक बार अपने लेवल पर समझने की कोशिश कीजिए बिना फैकल्टी के सपोर्ट के कि ये क्या समझाना चाह रहा है। ये इंटरप्रिटेशन आपको बहुत मदद करेगा जब आप केस स्टडी करेंगे, जब आप पेपर नंबर 6 में अपियर होंगे, क्योंकि वहां पे ये चीज बड़ी काम आएगी कि जो लिखा है क्या अपन अपने लेवल पर उसे समझ पाते हैं क्या बिना फैकल्टी की हेल्प के, है ना। तो शुरुआत बेटा हमेशा छोटे से ही करना है आपको, तो डेफिनेटली मैं आपको मौका दे रहा हूं अभी 2 से 3 मिनट, पेज नंबर 130 आप अपने लेवल पे पढ़िए, समझिए, फिर मैं आपको बताता हूं उसमें क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको और थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, है ना। ठीक है, आपको 2 से 3 मिनट में देता हूं। चलिए बेटा पढ़ लिया आपने, स्टार्ट करो मैं, अब ध्यान दीजिए ये किस बेस के ऊपर टिका हुआ है। कैजन बॉस्टिक ये बोलता है आप ये कभी मत मानिए कितना भी आपने इंप्रूवमेंट कर लिया हो वो इंप्रूवमेंट फाइनल है, ये कभी मत मानिए। जब भी आप उसी चीज पे इंप्रूवमेंट दोबारा सोचेंगे ना, डेफिनेटली आपको और भी मदद मिलेगी, आप पहले के मुकाबले रिडक्शन और भी कर पाएंगे। Nothing is ever perfect, ये इस थीम पे काम करता है। There is always a chance for improvement of reduction, मतलब लगातार आप कोशिश करते रहिए आपको डेफिनेटली रिडक्शन मिलेगा। पहली बार जब आपने सोचा था तो डेफिनेटली आपको आइडिया बहुत सारे आए थे, आप दोबारा सोचेंगे तो आइडिया कंपेरेटिवली कम आएंगे, और भी कम आएंगे, लेकिन आइडियाज आना बंद नहीं होंगे। हम उन्हीं चीजों को बहुत बेटर कर सकते हैं। आप आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे टीक्यूएम का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वो मिस्टर डेमिंग सर ने दिया है। उनका एक ही कहना था, अगर आपको इस मार्केट में सर्वाइव करना है ना, तो आपको कंटिन्यूअस कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा।
लोअर कॉस्ट नहीं, लोअर एंड लोअर कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी, तब जाके अब आप मार्केट में जी पाएंगे। जिस दिन आपने मान लिया कि नहीं यार ये वाला लेवल तो दी बेस्ट है, इसमें और कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, मान के चलिए वहां से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो सेकेंड पार्ट मैं पहले पढ़ना चाहूंगा इस पॉइंट का, केजन कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट नथिंग इज एवर परफेक्ट, सो इंप्रूवमेंट एंड रिडक्शन इन द कॉस्ट आर ऑलवेज पॉसिबल। उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट दिया है, जबकि कई सारे आर्टिकल है कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं, या फिक्स कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट भी, इवन कैपिटल कॉस्ट को भी ये रिड्यूस करने में मदद करता है। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पंच लाइन है, पूरा बेस इसके चारों पिलर इसी एक थीम पर टिके हुए, नथिंग इज एवर परफेक्ट। कभी भी मत मानिए कि ये दी बेस्ट है, बेस्ट है, इससे और अच्छा किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखे आप, द बेसिक प्रिमाइस ऑफ दिस कंसेप्ट इज, द बेसिक प्रिमाइस ऑफ दिस कंसेप्ट इज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा रेड पेन से, नथिंग इज एवर परफेक्ट, नथिंग इज एवर परफेक्ट। देयर विल ऑलवेज बी चांस फॉर कॉस्ट रिडक्शन, देयर विल ऑलवेज बी चांस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इसमें कि भैया एक किस बिलीफ पर टिका हुआ है, नथिंग इज एवर परफेक्ट। ठीक है, अब आइए आप इसकी मीनिंग में, इसकी क्या सोच है, कितना पेनिट्रेट करता है कॉस्ट रिडक्शन को। कॉस्ट रिडक्शन में बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि काइजन कॉस्टिंग भी किसका कंपोनेंट है, लीन सिस्टम का, और लीन सिस्टम के सभी कंपोनेंट के ऑब्जेक्टिव है वेस्ट मिनिमाइजेशन, रिड्यूसिंग द नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट। तो अब आइए इस पे आप मीनिंग में, दिस मेथड कैन बी डिफाइंड एज, ये नॉर्मल पॉइंट, फोकस ऑन ऑब्टेनिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन। यह पूरा 100% इसका बिलीफ है कि आपको चेंज जरूरी नहीं है, बड़े चेंज ही आपको लाने हैं, आप छोटे छोटे चेंज लाइए, रादर देन बिग चेंजेस एट लॉन्गर इंटरवल, ओवर अ लॉन्ग पीरियड रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट, नहीं सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट नहीं, क्या सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो बोलता है स्मॉल इंक्रीमेंटल आप चेंजेस लाइए, कॉस्ट रिडक्शन करिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड कब तक, जब तक वो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तब तक आपको क्या करते रहना पड़ेगा, कॉस्ट रिडक्शन करते रहना पड़ेगा। अगर मारुति कंपनी सोच रही है कि हमें कॉस्ट रिडक्शन करना है और 20,000 रुपीज बचाना है, माफ कीजिएगा काइजन कॉस्टिंग आपके लिए नहीं है, आपके लिए कोई दूसरी टेक्निक है। अगर आप 20,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड बचाना चाहते हो पर कार, एक कार की कॉस्ट में आप सीधा 20,000 बचाना चाहते हो, तो केजन कॉस्टिंग आपके लिए नहीं है, आपके लिए फिर पीआई या बीपीआर जो अपन आगे पढ़ेंगे। केजन कॉस्टिंग बोलता है कि भैया कंटिन्यूअस बेसिस पर अगर आप छोटे छोटे कॉस्ट रिडक्शन करते जाएंगे ना, तो एट द एंड जब आप देखेंगे ना, तो ये कॉस्ट रिडक्शन का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, फोर्टनाइटली बेसिस पर आप हर कार की कॉस्ट में 200-200, 300-300 रुपए बचाते चलो, तो जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर देखोगे ना, तो आपने 200-300 के हिसाब से एट द एंड ऑफ द ईयर लगभग 10,000 रुपीज के बक्स के आसपास आपने यहां पे सेव कर लिया होगा। तो केजन कॉस्टिंग बिल्कुल यकीन नहीं करता है कि बड़े बड़े चेंजेस लाए, ये बोलता है स्टेप बाय स्टेप चलो, छोटे छोटे चेंजेस लाइए, छोटे छोटे चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट, ही ब्रिंग्स सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। ठीक है, यही चीज बता रहे हैं यहां पर। आगे बढ़िया, लीन मैन्युफैक्चरिंग इज फाउंडेड ऑन द आइडिया ऑफ केजन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज द कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अप्रोचेस सच एज बीपीआर विच सीक्स टू मेक रेडिकल वन ऑफ चेंजेस टू इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। बड़े चेंजेस लाना है, रुकिए थोड़े समय बाद अपन पढ़ेंगे उसको बीपीआर को, छोटे छोटे चेंजेस लगातार लाना है, लगातार ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये आपके लिए फिर ये काइजन कॉस्टिंग है।
ठीक है, आज हमारी कॉस्ट एक कार की 3 लाख रुपए। हमारा अगला टारगेट आने वाले 15 दिनों में ये नहीं है कि हमारी कॉस्ट 2,80,000 हो जाए, आने वाले 15 दिनों में हमारा टारगेट है हमारी कॉस्ट 3 लाख रुपए से 2,99,500 हो जाए। ये 500, 800, 2,000 रुपए ऐसे करके बचाते चलेंगे तो डेफिनेटली अपने लिए एक बिग सेविंग हो जाएगी ओवर द मंथ। जो अपन बोलते हैं ना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो इसी पर तो बेस है। कोई जरूरी नहीं है आपको शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो आपके पास रुपी इन लेग्स ही होना चाहिए। आप शुरुआत 1,000 रुपए के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से करिए, आज से 30 साल बाद आप देखेंगे तो वही आपका कॉर्पस करोड़ों रुपए का हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते जाओ, मतलब छोटे छोटे चेंजेस लाते जाओ। लिखिए बेटा सेकेंड पॉइंट, राइट पेन से लिखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है ना, स्मॉल कॉमा इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन, स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। क्लियर है? जीआईटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? सप्लायर की मदद चाहिए था, कैनबेन कार्ड चाहिए था, यू शेप मैन्युफैक्चरिंग चाहिए था, जबकि केजन कॉस्टिंग के लिए कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यस यस, केजन कॉस्टिंग अप्लाई करने के लिए कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके वर्कर अगर आपके साथ है ना, और आपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि उनके बिलीफ में बैठा दिया है कि नहीं भाई नथिंग इज एवर परफेक्ट, आप कोशिश करते रहिए, आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को 4 पैसे बचा के देंगे पहले के मुकाबले। आपका टारगेट कॉस्ट कंट्रोल नहीं है, आपका टारगेट कॉस्ट कंट्रोल नहीं है, आपका टारगेट हमेशा रहेगा कॉस्ट रिडक्शन। एक बिलीफ बैठा दीजिए आप उनके मन में, तो देखिए आप बिना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के वो छोटे छोटे चेंजेस आपके एट द ईयर एंड बहुत बड़ी सेविंग आपको करके देंगे। तो यही बोल रहा है थर्ड पॉइंट कि भैया यहां पर हमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई बाहर के एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है कि वो बताए हमें स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग कैसे करें। हमें तो सिर्फ हमारे एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करना है, उनका कॉन्फिडेंस हमें मिलना चाहिए, उनका ट्रस्ट हमें मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। आप कंटिन्यूअस बेसिस पर अपना कॉस्ट रिडक्शन कर पाएंगे। तो थर्ड पॉइंट यही बोलता है, ये तभी सक्सेसफुल होगा जब आपके सभी वर्कर, कुछ एक वर्कर नहीं, सभी वर्कर इन्वॉल्व हो जाए इस बिलीफ के साथ कि हमें तो कॉस्ट कंट्रोल के साथ साथ हमें कॉस्ट रिडक्शन भी करना है। देखिए आपकी बिना उसके, डेफिनेटली बिना कोई बाहर के एक्सपर्ट के, बिना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आप क्या कर पाएंगे, ये अचीव कर पाएंगे। लिखे थर्ड पॉइंट नॉर्मल पेन से, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड नो आउटसाइड एक्सपर्ट आर नीडेड, एंड नो आउटसाइड एक्सपर्ट्स आर नीडेड फॉर केजन कॉस्टिंग। फॉर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, फॉर केजन कॉस्टिंग वी रिक्वायर, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए रेड पेन से, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, रेड पेन से टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सभी बंदे, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट के हो, चाहे हमारा एक बेसिक स्टाफ टोटली अनस्किल्ड, उसका भी हमें जरूरत पड़ेगी अगर हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना। तो एक देखिए, जीआईटी ने भी एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, केजन कॉस्टिंग तो 100% पूरा एम्प्लॉय के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो आज की तारीख में वो दिन गए जब आप बोलते थे भैया हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं, तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा, एहसान नहीं कर रहे हो, सॉरी सैलरी देकर एहसान नहीं कर रहे हो,
हम मेहनत कर रहे हैं उसके बदले दे रहे हैं। आपने उनको मोटिवेटेड रखा, एक ओनरशिप कल्चर उनमें डेवलप किया कि यार ये आपकी कंपनी है, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेमेंट भी उसके आधार पर लिंक्ड होगा, आप हमें कंटिन्यूअस कॉस्ट रिडक्शन करके देंगे, कंपनी को जो बेनिफिट होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको उनके पास शेयरिंग करना पड़ेगा। वो अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है कि यार हम मेहनत करेंगे तो हमारा भी फायदा है और डेफिनेटली कंपनी का फायदा तो है ही, तो दोनों के लिए फिर ये विन विन सिचुएशन कहलाती है अपना केजन कॉस्ट। ठीक है, एक वर्ड आ रहा है इसमें अभी, ये वर्ड अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, जब अपन टारगेट कॉस्टिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब ये चीज आएगी, वैल्यू इंजीनियरिंग। अभी इस पर अपन कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी हाल फिलहाल अपने काम का नहीं है। बढ़ूं आगे, एक डायग्राम इंस्टीट्यूट ने दिया है, ये वाला बड़ा अच्छा है, मैं इसको आपको समझाता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय केजन कॉस्टिंग। केजन कॉस्टिंग कोई बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं लाता है। पहले क्या है, अभी कॉस्ट पर व्हीकल दिया है हमें 31 मार्च 2010 और 31 मार्च 2011। हमने यहां पर अपना एक टारगेट रखा होगा, कुछ भी अपने मन से ले लेते अपन, 3 लाख। ₹3 लाख का अपने यहां पे टारगेट रखा है। ठीक है, केजन कॉस्टिंग ये नहीं बोलता कि आज से एक साल बाद ये खर्चा आपका 3,10,000 हो जाना चाहिए, ना। केजन कॉस्टिंग इस टारगेट को मल्टीपल पार्ट्स में बायफर्केट करेगा। केजन कॉस्टिंग इस टारगेट को मल्टीपल पार्ट्स में बायफर्केट करेगा, छोटे छोटे चेंजेस लाने की वो कोशिश करेगा। यहां पर बोलेगा 2,88,900, 2,88,000, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस लाएगा और एट द ईयर एंड वो मान के चलेगा कि यार हमें अपना टारगेट 2,90,000 लेना है, लेकिन ये 10,000 को उसने मल्टीपल पार्ट्स में थोड़ा स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये इसकी बेसिक थीम है। ये टारगेट नहीं है कि आज 3 लाख है, चलो आज से एक साल बाद मिलेंगे और चेक करेंगे कि आपने 290 किया क्या। नहीं, हम वीकली फोर्टनाइटली अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि क्या पहले के कंपैरिजन में अपन ने अपना खर्चा रिड्यूस किया है क्या, ये अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर। तो एक डायग्राम अच्छा दिया है आईसीआई ने, इसको याद रखिएगा, इसको मल्टीपल स्टेजेस में अपने को बायफर्केट करना पड़ेगा अपने कॉस्ट रिडक्शन। तो मैं चाहूंगा आप ये पॉइंट्स पढ़े, जो अपन ने अभी तक पढ़ा उसी को सिर्फ लैंग्वेज चेंज, कुछ भी नए पॉइंट्स नहीं है इसमें, लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो एक अच्छी लैंग्वेज दिया है यहां पे, एकदम स्टैंडर्डाइज, इसको आप एक बार पढ़िए अपने लेवल पे। हो गया, पढ़ लिया आपने, चलो अब एक एग्जांपल मुझे याद आया इसका, रियल लाइफ का। एक अमेरिकन एयरलाइंस थी, काइजन कॉस्टिंग क्या होता है बस ये बता रहा हूं आपको। अमेरिकन एयरलाइंस थी, अपने बिजनेस क्लास और जो फर्स्ट क्लास वाले कैटेगरी वाले पैसेंजर्स होते हैं उनको सैलेड्स देती थी, सैलेड्स में ऑलिव्स देती थी, 2 ऑलिव्स देती थी। उन्होंने सोचा कैसे हम अपने एयरलाइंस के खर्चे घटाए ना, उन्होंने कितना बारीक सोचा जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि यार जनरली बंदे या तो ऑलिव सैलेड्स में कंज्यूम करते ही नहीं है, करते भी है तो एक आध पीस ही वो कंज्यूम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये फाइंडिंग आने के बाद अपने सैलेड्स में सिंगल ऑलिव देना चालू किया। इससे आज से 20-25 साल पहले वो लाखों डॉलर सेव कर पाए। दिस इज नोन एज केजन कॉस्टिंग।
स्मॉल चेंजेस लाना है, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं लाना है। सिर्फ आपको ये देखना है कस्टमर के लिए कौन सी नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है, उसको कंप्लीटली आपको एलिमिनेट करना, लगातार करते जाना है, हमेशा देखते जाना है कि क्या कंज्यूमर का टेस्ट भी दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। तो हो सकता है आज से 2 साल पहले जो फीचर उसके लिए वैल्यू एडेड हुआ करता था, आज की तारीख में उसके लिए वैल्यू एडेड बिल्कुल भी नहीं है, है ना। एक वुडलैंड ब्रांड हुआ करता था, अभी भी होगा, उतना नहीं चलता वो पहले उसकी यूएसपी होती थी आज से 5-10 साल पहले कि यार वो ड्यूरेबिलिटी बहुत होती थी, 5-5, 10-10 साल हो जाते थे उस कंपनी के वुडलैंड ब्रांड के शू को, कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो इतना ड्यूरेबल था। आज की तारीख में उसकी जरूरत ही नहीं, भाई यूथ बोलता है हमें नहीं पहनना है वही सेम शू 4-5 सालों तक, हमें तो आप एक काम कीजिए रीजनेबल ड्यूरेबिलिटी दीजिए, 2-1 साल हम ज्यादा फेरा चलाते हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं चलाना है। कम्युनिकेट में ये करना चाह रहा हूं, कंज्यूमर का प्रेफरेंस ईयर बाय ईयर चेंज होता है, तो आपको अपनी सोच भी कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली डेवलप करना पड़ेगा। हो सकता है जो 2 साल पहले उसके लिए वैल्यू एडेड था वो आज की तारीख में उसके लिए नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है। अमेरिकन एयरलाइंस का एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा है, एक और ही मैंने यहां पे दिया हूं आपको, जब भी ये सिंबल आपको मिलेगा तो जस्ट फॉर योर नॉलेज है कि आप एक बार इसको पढ़िए, आपको लगेगा कि हाँ ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ अपन इसको लिंक कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो अपने पास 3 से 4 इसके अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, छोटे छोटे स्मॉल केस स्टडी है, वो सिर्फ इसी पर बेस्ड है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड केजन कॉस्टिंग। पहले तो आप हेडिंग दीजिए, टोटल 3 पॉइंट्स है इसमें, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड केजन कॉस्टिंग। नेक्स्ट लाइन में लिखिए रेड पेन से, केजन कॉस्टिंग एनवायरमेंट में अगर हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू वेरियांस निकालना है, केजन कॉस्टिंग एनवायरमेंट में अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू हमें वेरियांस कंप्यूट करना है, कॉमा, तो हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, तो हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैकेनिज्म को काइजन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैकेनिज्म को काइजन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमें स्टैंडर्ड को काइजन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा। चलिए बेटा स्टार्ट करें। अब ध्यान दीजिए, टोटल 3 पॉइंट्स है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा कंपैरिजन है, इसी के बेस पर अपने पास 3 से 4 इसके स्मॉल केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड, जो बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डील करता है कॉस्ट कंट्रोल को, जबकि केजन कॉस्टिंग बिलीव करता है कॉस्ट रिडक्शन को। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, जितनी कॉस्ट मुझे बताई गई है उससे ज्यादा ना लग जाए, उसका कहीं ये टारगेट नहीं होता कि कैसे कॉस्ट को हम कम करें विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। ये हुआ कॉस्ट कंट्रोल, यार मुझे 10,000 रुपए बोला गया है, मेरा टारगेट तो एक ही है, मेरे डिपार्टमेंट का खर्चा 10,000 के अबाउ नहीं जाना चाहिए, मेरा कभी दिमाग यहां पे जाता ही नहीं कि मैं उस 10,000 से कम खर्चे अपने कैसे करूं, तो आई एम डूइंग द कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट रिडक्शन एक चीज होती है जो स्टैंडर्ड को भी चैलेंज करता है कि भैया क्यों मेरे डिपार्टमेंट का खर्चा 10,000 होना चाहिए, जो बेनिफिट मुझे आज मिल रहा है मैं उसको और भी आज के मुकाबले कम खर्चे पर कर सकता हूं, यह कहलाएगा मेरे लिए केजन कॉस्टिंग। तो दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, केजन कॉस्टिंग आपको कॉस्ट रिडक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आपको अपने स्टैंडर्डाइज कॉस्ट को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अज्यूम दैट करेंट मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड। स्टैंडर्ड आप सेट कर लेते हो साल के स्टार्टिंग में और वेरियांस आप निकालते हो साल के एंड में,
इन 12 मंथ में आप ये मान के चलते हो कि भैया कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई, जो हमने सोचा था एट द बजट वही कंडीशन पूरे ड्यूरिंग द पीरियड कैरी हुई है, जबकि यार ये पॉसिबल नहीं है। आज की तारीख में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, इतना लंबे गैप में अगर आप सोचेंगे कि वो कंपेयर कर रहे हैं आप एक्चुअल कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट के बाद जो एक साल पहले आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, तो डेफिनेटली आपका वेरियंस इनलॉजिकल जाएगा। जबकि केजन कॉस्टिंग मानता है इट अज्यूम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जैसा जस्ट अभी अभी अपन ने देखा हर 10-10, 15-15 दिन में ही अपने टारगेट क्या कर देगा, रिवाइज कर देगा। आज 3 लाख है तो अगला टारगेट इसका हो गया 299, जबकि ये क्या मान रहा है कि जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है वो कितनी लगनी चाहिए थी, 3 लाख, जबकि इन 12 मंथ्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही है कि वह मान के चलता है कि जो कंडीशन एग्जिस्ट थी स्टैंडर्ड सेट करते समय एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, वही कंडीशन आज भी है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट इसके अपने एज सच कोई काम का नहीं है। फिर आ जाए स्टैंडर्ड आर सेट एवरी 6 और 12 मंथ, हर 6 और 12 महीने में आप अपना स्टैंडर्ड सेट करते हो, जबकि कॉस्ट रिडक्शन टारगेट आर सेट एंड अप्लाइड मंथली, मैक्सिमम हो गया, इवन फोर्टनाइटली भी आप अपने टारगेट को क्या कर देते हो, रिवाइज कर देते हो। ठीक है, अब एम्प्लॉय वाले पॉइंट में आ जाए, जो भी वेरियंस फाइंड आउट हुआ अगर वो एडवर्स आ जाए ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो माना जाता है एम्प्लॉई ये तेरे कारण हुआ है, तेरी गलती के कारण हुआ है, मतलब उन्हें प्रॉब्लम का जनरेटर माना जा गया है कि भैया तुम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ प्रॉब्लम। जबकि यहां पर सोच ही बदल गई, केजन कॉस्टिंग में हम उन्हें प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं मानते, हम उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइडर मानते हैं, क्योंकि केजन कॉस्टिंग पूरा डिपेंडेंट है कि आपके एम्प्लॉई कितना इन्वॉल्व है आपकी कॉस्ट रिडक्शन प्रोसेस में। तो एक सोच में बहुत अंतर है, यहां पे हम प्रॉब्लम क्रिएटर मानते हैं एम्प्लॉई को स्टैंडर्ड में, जबकि केजन कॉस्टिंग में हम उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइडर मानते हैं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, पूरे 2 मिनट्स आपको यूटिलाइज करना है, वापस से ये तीनों पॉइंट आपको पढ़ना है, कंसेप्ट, टेक्निक और एम्प्लॉय वाले, बहुत बारीकी से पढ़ना है, मतलब उसको एक इमेजिनेशन भी लाना है कि इसमें लिखा क्या है ना। 2 मिनट दे रहा हूं मैं। पढ़ लिया आपने, अब इसके अपन एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन चालू करते हैं। अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 चालू कर रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस केजन कॉस्टिंग अप्रोच इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहीं भी लगाया जा सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, चाहे वो आपका सर्विस सेक्टर का हो, ट्रेडिंग हो, कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह रहने वाली। स्टेट वेदर एंड वाई द फॉलोइंग आर वैलिड और इनवैलिड इन रिस्पेक्ट ऑफ केजन कॉस्टिंग, तो आपको ये तो बताना ही है कि वैलिड इनवैलिड है या
साथ में आपको वाय वो क्यों वैलिड है क्यों इनवैलिड है ये भी आपको बताना। पहला, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस इज ऑफ द व्यू दैट कंपनी हैज टू मेक अ ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू ब्रिंग अबाउट अ लार्ज स्केल मॉडिफिकेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। वापस से लाइन पढ़े आप, स्टेट वेदर एंड वाय द फॉलोइंग आर वैलिड और नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ केजन कॉस्टिंग। केजन कॉस्टिंग के बैकग्राउंड में ये चार चीजें अपने को दिया है, अपने को बताना है ये वैलिड है या इनवैलिड है और उसका रीजन। तो मौका दे रहा हूं मैं आपको, सोचिए आप 20 सेकंड है आपके पास, पहले पॉइंट को आप वैलिड बोलेंगे इनवैलिड बोलेंगे प्लस क्यों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इनवैलिड है, और इनवैलिड एक पॉइंट के कारण नहीं है बेटा, दो पॉइंट्स के कारण ये इनवैलिड है। दो पॉइंट्स कैसे? सबसे पहला पॉइंट है, ये बोल रहा है ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, भाई साहब कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है केजन कॉस्टिंग में। यहां पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉई का ट्रस्ट आपके ऊपर बना रहे कि यार अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी, इसलिए हमें कंटिन्यूअस बेसिस पर कॉस्ट रिडक्शन करते जाना है। पहला ये गलत बोला है उसने, दूसरा ये गलत बोला है, दूसरा पॉइंट बहुत सारे बच्चों से गलती हुई होगी बेटा, आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपको आधे ही मार्क्स मिलते हैं इस पहले पॉइंट में, क्योंकि एक और बात उसने गलत किया, लार्ज स्केल मॉडिफिकेशन। भाई साहब लार्ज स्केल मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, केजन कॉस्टिंग लगेगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो चेंजेस है वो स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट चेंजेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आते हैं। दो पॉइंट पर ही गलत हो रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज ऑफ ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो नीड फॉर ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज यहां पे लार्ज स्केल में चेंजेस नहीं आते, स्मॉल छोटे छोटे स्टेप लेकर चेंजेस होते हैं। क्लियर? आइए सेकंड पॉइंट, हेड पर्सनल मतलब एचआर डिपार्टमेंट हैज मेड अ पॉइंट दैट इंट्रोडक्शन ऑफ केजन कॉस्टिंग डजंट एलिमिनेट द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली वैलिड है भाई, बल्कि केजन कॉस्टिंग में तो आपको नई नई टेक्निक की ट्रेनिंग और भी देना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉई और ज्यादा इनोवेटिव हो पाए कि इस खर्चे को कैसे कम किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये पॉइंट वैलिड है कि अभी भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बल्कि ट्रेनिंग और भी आपको ज्यादा लेवल पर केजन कॉस्टिंग में रिक्वायर्ड रहेगी, न्यू मेथड्स जो आ रही है मार्केट में। जनरल मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग फर्मली बिलीव्स दैट ओनली शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट इज अ प्री रिक्विफाइड ऑफ केजन कॉस्टिंग अप्रोच। अब बताइए वैलिड इनवैलिड, एक वर्ड अगर आपने इसमें नहीं पढ़ा तो मान के चलिए पूरा आंसर खत्म। बताइए वैलिड है कि इनवैलिड है, और वो कौन सा वर्ड है जिसपे आप अपना पूरा रीजन देंगे कि ये वो वर्ड है जिसके कारण ये वैलिड है और इनवैलिड है। बोलो भाई बोलू, ये बोल रहा है ओनली कुछ एक एम्प्लॉई को ही आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, टोटली गलत है भाई। टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट मतलब राइट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर स्टाफ, सभी बंदे अगर इन्वॉल्व होंगे तब जाके आप कॉस्ट रिडक्शन कर पाओगे, दो चार लोगों का काम नहीं है। कंटिन्यूअस बेसिस पर अगर आपको कॉस्ट रिडक्शन करना है तो सबका सपोर्ट चाहिए। तो ये वर्ड देखो, आप एक वर्ड पढ़ना और उसको इग्नोर कर देने से पूरा आपका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये बोल रहा है सिर्फ इन बंदों को इन्वॉल्व करो, इनको क्यों भाई, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक बंदे इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, मैनेजर हैज कंसर्न अबाउट क्रिएशन ऑफ कंफ्यूजन अमंग एम्प्लॉइज एंड वर्कर रिगार्डिंग देयर रोल्स एंड डिग्रेडेशन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल भी नहीं इनवैलिड, हम कॉस्ट रिडक्शन जब भी बात करते हैं तो हमेशा फर्मली एक स्टैंड लेते हैं अपन विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हमें हमारे खर्चे कम करना। तो जो बोल रहे हैं ना क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। हम कॉस्ट रिडक्शन नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट का कर रहे हैं, वैल्यू एडेड कॉस्ट का नहीं कर रहे भाई साहब। और जो आप दूसरी बात कर रहे हो कि कंफ्यूजन आएगा, क्यों कंफ्यूजन आएगा, अगर आ रहा होगा तो उसको डॉक्यूमेंटेड कर लेंगे। तो एक सिंपल फॉर्मूला, मेन पॉइंट है डीग्रेडेशन इन क्वालिटी नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी हम पूरे कॉस्टिंग में कॉस्ट रिडक्शन की बात करेंगे तो एक डीम्ड उसके आगे लिखा हुआ है कॉस्ट रिडक्शन विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि अगर क्वालिटी और फंक्शनलिटी अफेक्ट हो गई तो हमारे लिए वो कॉस्ट रिडक्शन कोई भी काम का नहीं।
अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। तो आपको ये बताना था कि ये क्या केजन कॉस्टिंग में वैलिड है या इनवैलिड है, और है तो फिर क्यों है, आपको ये भी साथ में उसको कम्युनिकेट करना था। क्लियर है? चलिए अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि अगर ये क्वेश्चन अभी मैं डायरेक्टली आपको करने दूं तो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होगा, लेकिन फिर भी मैं बिलीव करता हूं कि कोई भी नई चीज अगर एक बार पहली बार बच्चों को ही पढ़ने का मौका दिया जाए, उसी को सोचने का मौका दिया जाए कि वो कैसे इस क्वेश्चन को कर पाएगा, माना वो 10-20% ही अचीव कर पाया, लेकिन मेरे लिए वो काफी है। एक बार आप ट्राई कीजिए आप इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या। और मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड है कि केजन कॉस्टिंग में अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाना चाहते हो तो किसको किसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा केजन कॉस्टिंग के हिसाब से। क्लियर है? तो मैं चाह रहा हूं आप इसको एक बार पढ़िए, मैं आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत बारीकी से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छे चांस है कि आप इसको मेरे बिना मदद के अच्छे खासा लेवल तक पहुंचा दोगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आपके यहां 3 से 4 मिनट है बेटा, कोशिश करिए पूरी बात। चलिए स्टार्ट करो बेटा। अब देखिए जो इसका पहला पार्ट है रिक्वायरमेंट पार्ट का, यह क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है, यह एक जनरल पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ केजन कॉस्टिंग। तो जनरली जो जो आपको केजन कॉस्टिंग के बारे में पता है उसको 4 मार्क्स के आसपास अगर ये क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आपको एग्जामिनेशन का 70 पेज फिलअप कर देना,
सिंपल है। सेकेंड पार्ट जरूर इस क्वेश्चन के साथ लिंक किया। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, डिस्कस हाउ केजन कॉस्टिंग कंफ्लिक्ट विद एसएफ, ये कंपनी का नाम है, करेंट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग प्रोसीजर। आपको ये बताना है केजन कॉस्टिंग की जो सोच है वो कैसे कंफ्लिक्ट कर रही है आज के हमारे करेंट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग प्रोसीजर से। ठीक है, तो अपना मेन टारगेट इसमें ए पार्ट नहीं है, ए पार्ट तो जनरल है। आपको केजन कॉस्टिंग का अगर नॉलेज है तो डेफिनेटली आप उसको लिख सकते हो, कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके नॉलेज का नंबर है वहां पर। जबकि बी में एप्लीकेशन पार्ट है, आपको ये बताना है कि केजन कॉस्टिंग का प्रिंसिपल कैसे कंफ्लिक्ट कर रहा है आज के करेंट रिपोर्टिंग सिस्टम को। ठीक है सर, चालू कर रहा हूं मैं। कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल अ लिमिटेड रेंज ऑफ फ्लैट पैक फर्नीचर, हमारे कंपनी का काम है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट कंपनी यूजेज अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम टू मॉनिटर इट्स परफॉर्मेंस, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, नॉर्मल चीज है। एट द स्टार्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द कंपनी डायरेक्टर एग्री अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट, साल के शुरुआत में हमारे कंपनी के डायरेक्टर हर एक प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। मंथली वेरियांस रिपोर्ट आर डिस्कस्ड एट ईच मंथली बोर्ड मीटिंग, ठीक है, जो भी वेरियांस रिपोर्ट आती है उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं बोर्ड मीटिंग में। अ फ्यू मंथ एगो द प्रोडक्शन डायरेक्टर अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग एंड वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन अ प्रेजेंटेशन ऑफ केजन कॉस्टिंग, हमारे कंपनी के प्रोडक्शन डायरेक्टर ने वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, यह लीन सिस्टम का दूसरा नाम है बेटा, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, रिपीट कर रहा हूं मैं, लीन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। जब आप लीन सिस्टम के स्टार्टिंग पेज देखेंगे ना तो द वेरी फर्स्ट पैरा में आपको ये वाला नाम मिलेगा, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा और भी एक दो नाम वहां पर दिए गए। तो हमारा प्रोडक्शन डायरेक्टर ने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया लीन सिस्टम के ऊपर और केजन कॉस्टिंग के प्रेजेंटेशन पर, और बड़ा इंप्रेस हुआ है, उसको लगता है कि हमारे कंपनी में भी ये लगाना चाहिए। द प्रेजेंटर इलस्ट्रेटेड हाउ द यूज ऑफ केजन कॉस्टिंग हैड इनेबल्ड हर कंपनी टू रिड्यूस इट्स यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाय 20%। जो प्रेजेंटर था उस कॉन्फ्रेंस में, उसने जितने ऑडियंस थे उनको कम्युनिकेट किया कि वो प्रेजेंटर ने जब अपनी कंपनी में, हमारे प्रोडक्शन डायरेक्टर ने नहीं, प्रेजेंटर ने जब अपनी कंपनी में काइजन कॉस्टिंग लगाया है तो उसने अपनी यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 20% से कम कर पाया है। ठीक है, अब वापस आ जाइए अपने रिक्वायरमेंट पार्ट में। क्या बताना है आपको रिक्वायरमेंट पार्ट में, केजन कॉस्टिंग कैसे कंफ्लिक्ट करता है हमारे करंट रिपोर्टिंग सिस्टम को। तो देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं बेटा कैसे सोचा जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इस क्लास से आप कैरी करके जाइएगा। ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये, इट डजंट मैटर, फाइनल का बच्चा सॉल्यूशन देख के आराम से समझ सकता है कि भैया क्या कंसेप्ट है। मेन है हम कैसे सेल्फ करेंगे उन 3 आवर्स में, इसके लिए टेक्निक सीखना बड़ा जरूरी है। रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है, अपने को कंफ्लिक्ट बताना है कि केजन कॉस्टिंग कैसे कंफ्लिक्ट कर रहा है। यहां पर मैं बोल रहा हूं कोई कंफ्लिक्टिंग पॉइंट ही नहीं है, तो एक जनरल पॉइंट बता रहा है कि हमने केजन कॉस्टिंग की कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, जो प्रेजेंटर था उसने बताया कि उसने अपनी कंपनी में 20% कॉस्ट बचाया। तो कहीं भी यहां पे हमारा सिस्टम ही नहीं है, किसके बाद कंफ्लिक्ट बोला, हमारा करंट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग प्रोसीजर, यहां पे कहीं भी इस पैरा में नहीं बताया गया करंट परफॉर्मेंस प्रोसीजर। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं ये 2 लाइन भी काम की नहीं है, क्योंकि हमें बताना है आज के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से हमारा केजन कॉस्टिंग कैसे कंफ्लिक्ट कर रहा है, जबकि ये 2 लाइन में तो कहीं कंफ्लिक्ट आ ही नहीं रहा है। तो देखिए अब मैंने क्या किया, इसी 8 से 10 पैरा अलाइन के क्वेश्चन को मैंने 2 या 3 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो मेरा सोचना होगा ना वो ज्यादा एक्यूरेट जा पाएगा। अब मुझे पता लग गया मेरे रिक्वायरमेंट पार्ट के अकॉर्डिंगली जो आंसर मुझे देना है वो बस यहीं पे। सबसे पहला पॉइंट जो केजन कॉस्टिंग के बाद कंफ्लिक्ट करेगा, एट द स्टार्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द कंपनी डायरेक्टर एग्री अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, सबसे पहला कंफ्लिक्ट यहीं पर। और एक कंफ्लिक्ट नहीं है यहां पे, 2 कंफ्लिक्ट है। अब जरा सोचो, एट द स्टार्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द कंपनी डायरेक्टर एग्री अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, 2 कंफ्लिक्ट है। केजन कॉस्टिंग एक स्टेबल कंडीशन नहीं मांगता है, वो चेंजिंग एनवायरमेंट मांगता है। जबकि आपने अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट कब निकाल लिया, साल के शुरुआत में, तो अगर आपको केजन कॉस्टिंग लगाना है तो आपको अपने स्टैंडर्ड को साल में एक बार नहीं, लगातार बेसिस पर आपको उसको रिवाइज करते जाना पड़ेगा। वो पीरियड हो सकता है फोर्टनाइटली, वो पीरियड हो सकता है मंथली, लेकिन लगातार आपको अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करना है केजन कॉस्टिंग एनवायरमेंट में।
क्योंकि केजन कॉस्टिंग मांगता है पीरियड कंडीशन स्टैटिक नहीं होगी, ये चेंजेस होते रहेगी, तो जब जब चेंजेस होगा तो डेफिनेटली आपको अपने स्टैंडर्ड को भी रिवाइज करना है। तो पहला कंफ्लिक्ट जा रहा है, हम स्टैंडर्ड साल में एक ही बार सेट करते हैं और वो भी साल के शुरुआत में, जबकि केजन कॉस्टिंग में हमें कई बार स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा जब जब एक छोटे छोटे इंटरवल पर हम वापस से अपनी कॉस्ट को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्लियर है? सेकंड कंफ्लिक्ट हो रहा है, पूरा इनिशिएटिव यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन ले रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वही बंदे हैं जो सेट करते हैं, वही वेरियंस रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ वर्कर का इन्वॉल्वमेंट है और वो है टॉप मैनेजमेंट। आपके दूसरे वर्कर कहां गए? जबकि केजन कॉस्टिंग की बिलीफ है कि हर कुछ आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप मॉनिटर कीजिए, लेकिन वो बंदे जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं उनको अपना टारगेट डिसाइड करने दीजिए। तो टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट यहां पे नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा डिक्टेटरशिप है कि हमने जो डिसाइड कर दिया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दो चीजें यहां पर कंफ्लिक्ट कर रही है, पहला स्टैंडर्ड को हम साल के शुरुआत में ही सेट कर रहे हैं जबकि केजन कॉस्टिंग में हमें स्टैंडर्ड को लगातार बेसिस पर रिवाइज करते जाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, यहां पर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के नाम से कुछ भी नहीं। क्लियर? तो मैं जाऊंगा, एक बार आप पेज नंबर निकालिए 247, इसका आंसर आप पढ़िए अभी। पेज नंबर 247 मैं आपका वेट कर रहा हूं, 2 मिनट्स दे रहा हूं मैं आपको, आप आंसर पढ़िए केजन कॉस्टिंग का, पेज नंबर 247 में क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। पढ़ लिया आपने, बढ़ूंगा अवेयर में। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 14 आप अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, उसको क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, पर क्वेश्चन नंबर 14 का ये पूरे केस स्टडी चल रहा है, छोटे छोटे केस स्टडी। फिर इसी चैप्टर में आप देखेंगे एक बड़ा केस स्टडी क्वेश्चन भी अपने पास, जो इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन का है। मैं चालू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13। एफडी मैन्युफैक्चर एंड सेल अ स्मॉल रेंज ऑफ टिम्बर प्रोडक्ट्स। The main difference between the products are their size and the type of timber used. ठीक है? FD prepare annual budget and set a standard cost for each different product at the start of each year. Variance report are produced every month. Recently, there have been significant differences between the actual cost and standard cost of the product manufactured. FD recently introduced a system of Cajun costing which has resulted in changes to the method used to manufacture the timber product. Some of the directors have suggested that use of standard cost as a means of monitoring performance is no longer appropriate and the monthly variance report is meaningless. Requirement 1. Explain the principle of Cajun costing. फिर से 4 नंबर का पार्ट है, जनरल पार्ट है, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, जो भी आपका केजन कॉस्टिंग का नॉलेज है आपको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उसको रिप्रोड्यूस कर देना, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट में आते हैं, अब देखते हैं सेकंड पार्ट में देखो पूछा क्या है, इसके आधार पे फिर अपन इंटरप्रिटेशन रीडिंग लगाएंगे ऊपर वाले की।
डिस्कस हाउ द कंपनी कैन यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस टू प्रिपेयर मीनिंगफुल रिपोर्ट व्हेन यूजिंग केजन कॉस्टिंग। वापस से, कैसे कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरियंस रिपोर्टिंग करे ताकि वो एक मीनिंगफुल रिपोर्ट दे पाए केजन एनवायरमेंट में। तो हमें यहां पे ये नहीं बताना है कि केजन कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कंफ्लिक्ट क्या हो रहा है। ऊपर वाला जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 12, वहां पे हमें कंफ्लिक्ट बताना था। ध्यान दीजिएगा ना, बहुत जरूरी होता है रिक्वायरमेंट पार्ट को पढ़ना बहुत बारीकी से, नहीं तो हर क्वेश्चन में आप एक समान आंसर लिखेंगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 था वहां पे हमें कंफ्लिक्ट बताना था कि क्या कंफ्लिक्ट हो रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जबकि यहां पे हमें बताना है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम कैसे मॉडिफाई करें ताकि वो केजन एनवायरमेंट में हमें मीनिंगफुल रिपोर्ट दे पाए। ठीक है, ये अपना टारगेट है। तो पढ़ते हैं अपन इसको, जहां जहां स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात आएगी अल्टीमेटली वही अपने लिए काम का पॉइंट है, बाकी तो एक बेस बना रहा है क्वेश्चन। कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल अ स्मॉल रेंज ऑफ टिम्बर प्रोडक्ट। ठीक है, मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट आर देयर साइज एंड द टाइप ऑफ टिम्बर यूज। ठीक है भाई, टिम्बर प्रोडक्ट आप वुड के प्रोडक्ट बना रहे हो तो डेफिनेटली उनके शेप्स अलग अलग होंगे, अलग अलग वुड होगा, तो जनरल पॉइंट है। कंपनी प्रिपेयर एनुअल बजट। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब ये दिक्कत आएगा, इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड सेट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ईच डिफरेंट प्रोडक्ट एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। तो क्या बोला था रिक्वायरमेंट पार्ट में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अगर मीनिंगफुल रिपोर्ट प्रोवाइड करना है केजन एनवायरमेंट में तो उसको अपने आप को कैसे चेंज करना पड़ेगा। तो भाई साहब, बस पहला चेंज हमें समझ में आ गया है। यहां पे पहला चेंज ये है कि आप स्टैंडर्ड साल के एक बार सेट कर रहे हैं, जबकि अब स्टैंडर्ड उतने बार सेट होगा जितने बार केजन कॉस्टिंग अपना टारगेट सेट कर रहा है। केजन कॉस्टिंग अगर 15-15 फोर्टनाइटली अपना टारगेट सेट कर रहा है तो हमें स्टैंडर्ड भी हर 15 दिन में रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो हमें मीनिंगफुल रिपोर्ट दे पाएगा, है ना। तो रिक्वायरमेंट पार्ट क्या थी, कैसे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मॉडिफाई करें ताकि वो मीनिंगफुल रिपोर्ट दे पाए केजन एनवायरमेंट में। तो मीनिंगफुल रिपोर्ट देने के लिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को रिवाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू केजन कॉस्टिंग रिविजन। जब जब केजन कॉस्टिंग ने अपना टारगेट अचीव करके वो टारगेट को रिवाइज किया है, तब तक आपको अपना अपना टारगेट क्या करना पड़ेगा, वेरियांस रिपोर्टिंग के लिए भी रिवाइज करना पड़ेगा। वेरियांस रिपोर्ट आर प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेरियांस रिपोर्ट है, अल्टीमेटली आप हर महीने वही कॉस्ट कंपेयर कर रहे हो जो आपने साल की शुरुआत में निकाला था। ठीक है, रिसेंटली देर हैव बीन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ केजन कॉस्टिंग, इंट्रोड्यूस कर दिया है तो भैया रिजल्ट आना चालू हो चुके हैं, इसी के कारण आपकी एक्चुअल कॉस्ट दिन ब दिन कम होते जा रही है और स्टैंडर्ड तो अभी भी आपने वही रखा था जो साल का शुरुआत है, विच हैव रिजल्टेड इन चेंजेस टू द मेथड यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द टिम्बर प्रोडक्ट। तो अभी तक सिर्फ अपने को एक ही बात पता लगी है यहां पे कि आपको अपने स्टैंडर्ड को ये नहीं मानना है कि कंडीशन स्टेबल होगी, है ना, वो चेंज होते जाएगी अकॉर्डिंगली, तो इसलिए आपको अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को किसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा, केजन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल के थ्रू अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा। जब जब केजन कॉस्टिंग अपना टारगेट रिवाइज करता है तो आपको अपना टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा। फिर जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो आगे चल के अपन पढ़ेंगे, वो इन्होंने अप्लाई किया यहां पे। वेरियांस को आप दो पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान सुनिएगा बेटा, एकदम नया पॉइंट है आपके लिए। अभी सिर्फ अपन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को। हर वेरियांस को आपको दो पार्ट में बाइसेक्ट करना होता है, एक होता है प्लानिंग वेरियांस, एक होता है ऑपरेशनल वेरियांस। एवरी वेरियांस इज टू बी बाइसेक्टेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज प्लानिंग वेरियांस एंड द अदर इज ऑपरेशनल वेरियांस। ठीक है, प्लानिंग वेरियांस का दूसरा नाम होता है अनकंट्रोलेबल वेरियांसेस, वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजर, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो हम बोलेंगे प्लानिंग वेरियांस है, और ऑपरेशनल वेरियांस आर कंट्रोलेबल वेरियांसेस। तो वापस से, जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो बहुत इनडेप्थ पढ़ना है, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन नंबर 13 का एक मॉडल आंसर देखेंगे तो आपको ये वाले पॉइंट्स वहां पे मिलेंगे, क्योंकि मीनिंगफुल रिपोर्ट वेरियांस की तभी बन पाती है जब हमने अपने वेरियांस को दो पार्ट में बाइसेक्ट किया है, प्लानिंग वेरियांस
दूसरा नाम इसका अनकंट्रोलेबल और ऑपरेशनल वेरियान, दैट इज कंट्रोलेबल वेरियान। तो जितने भी आपके वेरियान निकलेंगे केजन एनवायरमेंट में, आपको उसको दो पार्ट में बाइफरकेट कीजिए कि यार ये अनकंट्रोलेबल था और ये कंट्रोलेबल था, क्योंकि जो कंट्रोलेबल पोर्शन है उसी को आप टारगेट करके आगे और भी अपना कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो तो अब जल्दी से आप पेज नंबर 248 में आइए और क्वेश्चन नंबर 13 का मॉडल आंसर पढ़िए, और साथ के बाद पढ़ना बेटा ना, पेंडिंग मत रखिएगा इसको, मैं आपको समय दे रहा हूं। तो जल्दी से आप, दो मिनट है आपके पास, आप ये वाला पॉइंट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 का मॉडल आंसर ऑन द पेज नंबर 248। आगे बढ़ू, पढ़ लिया आपने 14, आप अपने लेवल पे कीजिएगा। अब मैं आ रहा हूं उसका एक बड़ा केस स्टडी, अभी तक जो कर रहे थे वो भी केस स्टडी थे लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत छोटे लेंथ के थे, अब एक केस स्टडी क्वेश्चन है। पहली लाइन ही आपको बता रही है, बोल्ड लेटर में है, तो इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन का है, न्यू सिलेबस के ये। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा आपको टेक्निक ऑफ रीडिंग उतनी परफेक्ट करना पड़ेगा। टेक्निक ऑफ रीडिंग वही, पहला न्यूज़पेपर रीडिंग, रिक्वायरमेंट पार्ट, फिर इंटरप्रिटेशन रीडिंग, है ना। एक बार जस्ट एक न्यूज़पेपर रीडिंग लगाते हैं अपन इस क्वेश्चन की, क्योंकि लगभग ये डेढ़ पेज का क्वेश्चन है। तो इस न्यूज़पेपर रीडिंग में अपने को 5-10% पता लगेगा कि यार क्वेश्चन में अल्टीमेटली डिटेल क्या क्या दिया हुआ है। चालू कर रहा हूं मैं केस स्टडी नंबर 1। Zen Limited is a leading mobile manufacturing company and sell its mobile phone across the world. Okay. In a fast-changing technological environment, company has been able to maintain its leadership in smartphone segment for third year in a row now. Though the revenue have grown year on year, the cost have increased at a higher rate in the mobile phone industry as a whole. We have been leaders in revenue. We must lead in cost reduction front as well. I believe we can achieve this with improvement over time, however minor they might be. This is what the CEO of our company has told its director in a recently concluded board meeting.
द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज फॉलन फ्रॉम 10% इन 2016 टू 8% इन 2017 ओइंग टू राइज इन रॉ मटेरियल एंड रिपेयर कॉस्ट. Another significant rise in the cost was on account of repair of mobile which are under warranty. There was an increase in this repair cost by 1.5 crore which represent 1% of the total turnover of the company. ठीक है? The process of repair, replacement of under warranty product is outlined below. The company owned 200 repair centers in various cities in India. A customer whose phone is under warranty and require replacement repair visit any of the 200 centers to deposit the faulty mobile phone. The technician at service center examining the phone and service center send the phone to a centralized repair center at Mumbai. The phones are sent to Mumbai even for minor repair which can be done locally if requisite infrastructure is provided to the service center. The phones are sent in batches. Every service center creates 3 to 4 batches of mobile phone in a day. A recent study showed that batches could be combined into a single batch per day. Phones are repaired in Mumbai centralized center and send back to the respective service center for handing them back to the customer. The phones which are repaired are sent in separate batches and those which are replaced are sent in separate batches. ठीक है साहब? You are working as a finance manager in the company. The finance director has approached you to understand whether the minor improvement would be useful given the size of the company. The finance director has asked you to examine the process of warranty repair and replacement and submit a report covering the following aspect. What is the CEO referring to when he says minor improvement? What are the benefits of such minor improvement? Apply the above process to the warranty claim process and explain how the process can be improved, any other matter which you consider relevant. तो एक जनरल आइडिया आता है बेटा अपने को, मैक्सिमम बोल रहा हूं ना, 5 से 10% का आइडिया आता है कि यार क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है. तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देखिए, स्पून फीडिंग नहीं करना है और ना मुझे कराना है ना, इसलिए ये बड़ा जरूरी है. देखिए बताऊ स्टूडेंट कहां पर दिक्कत देता है अपने आपको, जब तक ये चैप्टर चल रहा है ना आपके माइंड में सिर्फ एक ही सीढ़ी चल रही है, केजन कॉस्टिंग केजन कॉस्टिंग केजन कॉस्टिंग. क्योंकि आपको पता है अगर ये केस स्टडी इस चैप्टर में रखी गई है तो डेफिनेटली इस केस स्टडी में केजन कॉस्टिंग ही अप्लीकेबल होगा. तो जब तक वो चैप्टर चल रहा है बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जब यही क्वेश्चन यही लेवल उस 3 आवर्स में आता है ना जहां पे हेडिंग लिखी हुई नहीं आती कि केजन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, तब जाके बच्चों को प्रॉब्लम आती है. कैसे समझ में नहीं आता क्वेश्चन को पहचाने कैसे, तो ना बेटा इसके लिए तैयारी आपको क्लास से ही करना पड़ेगा. ये मत मानो कि केजन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है सामने वाले, पूरा क्वेश्चन आपने न्यूज़पेपर रीडिंग में पढ़ लिया है, कहीं उन्होंने केजन कॉस्टिंग अप्लाई करने बोला ही नहीं है, फिर भी ये केजन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है. कैसे, मैं आपको समय दे रहा हूं 1 मिनट का, आप बताइए मुझे अगर एग्जामिनेशन के उस 3 आवर्स में आता जहां पे कोई हेडिंग नहीं आती कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, कोई हेडिंग नहीं आएगी वहां पे आपको पहचानना पड़ेगा कि अरे क्वेश्चन में मुझे कौन सा कंसेप्ट लगाना है. तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं उसमें केजन कॉस्टिंग अप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन कैसे पहचानेंगे आप उस 3 आवर्स में कि यार हमें केजन कॉस्टिंग अप्लाई करना है. जरा सोचिए 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, कहां ऐसे इंडिकेशन है, क्या ऐसे वर्ड्स है जिसके आधार पर आप बोल सकते हो हां सर ये केजन कॉस्टिंग का कंसेप्ट हमें यहां पे अप्लाई करना. ये बहुत जरूरी है बेटा, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ये कभी मत पढ़ना कि उस चैप्टर का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वाले चैप्टर का ही कंसेप्ट लगेगा. अपने आप से एक सवाल आप हमेशा पूछना, ये क्वेश्चन मैं इस चैप्टर का क्यों मानूं, मैं कैसे पहचान पाऊंगी कि ये एग्जामिनेशन में कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है. ये तरीका आपने रखा ना तो जो कॉस्टिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोर देन 50% स्टूडेंट की, क्या सर क्वेश्चन को समझ में नहीं आता कि चालू कहां से करें,
क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। प्रॉब्लम यही है, जब आपने लर्निंग स्टेज में थे ना तो आपने इस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का क्यों है। तो आज के बाद कॉस्टिंग में तो मैं डेफिनेटली आपको ये करवाऊंगा कि ये क्वेश्चन मैं क्यों मानूं केजन कॉस्टिंग का है, क्योंकि केजन कॉस्टिंग लिखा हुआ नहीं है। जबकि पिछले क्वेश्चनों में मैंने आपसे नहीं पूछा रीजन, वहां पे केजन कॉस्टिंग वर्ड दिया हुआ था, है ना। तो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा, कभी ये मत मानिए कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर का क्वेश्चन है। एक सवाल जरूर पूछेगा उस क्वेश्चन से, कैसे पहचानेंगे हम कि ये वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगा। ठीक है, वन मिनट में आपको दे रहा हूं। फाइनली आप मुझे बताइए क्या ऐसे वर्ड्स, क्या ऐसे इंडिकेशन है जिसके कारण मैं इसको केजन कॉस्टिंग का क्वेश्चन मानू। वन मिनट है आपके पास। बोलो बेटा वो क्या वर्ड है। अगेन रिक्वायरमेंट पार्ट इज द की, है ना, मास्टर की है। बल्कि ये जो वर्ड है ना बेटा, माइनर इंप्रूवमेंट, ये अकेला वो वर्ड है जो इनफ है कि आपको इस क्वेश्चन में केजन कॉस्टिंग अप्लाई करना है। क्योंकि आप आगे देखिएगा पूरे कॉस्टिंग में इंप्रूवमेंट की बहुत बार बात होगी, बहुत बार, लेकिन माइनर इंप्रूवमेंट की बात सिर्फ और सिर्फ केजन कॉस्टिंग में ही होती है। तो ये वो वर्ड है माइनर इंप्रूवमेंट, जिसके कारण अब आप बोलेंगे हां यहां पर हमें केजन कॉस्टिंग अप्लाई करना है। अब ये क्वेश्चन अपन फाइनली स्टार्ट कर सकते हैं। सोना बेटा तो जरूर पूछेगा अपने आपसे जब भी क्वेश्चन का मैं उस चैप्टर का नाम नहीं दिया, उस कंसेप्ट का नाम नहीं दिया है, हम कैसे पहचानेंगे इस क्वेश्चन को कि ये कंसेप्ट लगेगा। ये सवाल आपको रिपीटेडली हर सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन के बाद पूछते चलना है, अनलेस एंड अंटिल उसने कंसेप्ट का नाम दिया। ठीक है, तो पहला पार्ट सीओ का मतलब क्या है माइनर इंप्रूवमेंट से, मतलब यहां पे आपको केजन कॉस्टिंग के बारे में लिखना है कि केजन कॉस्टिंग स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, वो सब चीजें आपको जनरली लिखना है। बी पार्ट भी यहां पे एकदम जनरल है, आपको बेनिफिट्स बताना है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई बाहर के एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, बिना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे आप धीरे धीरे जो चेंजेस आएंगे ना ये आपको बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करें, है ना। अब थर्ड पार्ट इसका अप्लीकेशन पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट तो आपको प्योरली आपका नॉलेज केजन कॉस्टिंग के बारे में लिखना है, शर्त ये अब तो समझ में आ जाए केजन कॉस्टिंग, और केजन कॉस्टिंग किसके थ्रू समझ में आया, माइनर इंप्रूवमेंट वर्ड के का। क्लियर है, अब आते हैं अपन थर्ड, अप्लाई द अबव प्रोसेस टू द वारंटी क्लेम प्रोसेस एंड एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस कैन बी इंप्रूव। इसके लिए वापस से क्वेश्चन को अपना पढ़ना पड़ेगा और ये बताना है कि आप केजन कॉस्टिंग कैसे हमारी वारंटी क्लेम प्रोसेस में अप्लाई करके हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। केजन कॉस्टिंग कैसे आप वारंटी क्लेम प्रोसेस में अप्लाई करके हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए वापस से एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। आइए सब स्टार्ट कर रहा हूं। जेन लिमिटेड इज अ लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड सेल इट्स मोबाइल फोन अक्रॉस द वर्ल्ड। अपनी कंपनी मोबाइल बिजनेस में है और पूरे वर्ल्ड में अपन अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। इन अ फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, डेफिनेटली मोबाइल फोन आप आज ले रहे हो, आज से 3 महीने बाद एकदम नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो अपने को लगता है अपना मोबाइल फोन आउटडेटेड है। कंपनी हैज बीन एबल टू मेंटेन इट्स लीडरशिप इन स्मार्टफोन सेगमेंट फॉर 3rd ईयर इन अ रो। वाओ, कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है क्योंकि लगातार 3 सालों से ये उस सेगमेंट में मार्केट लीडर है, मतलब कंटिन्यूअसली कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। दो द रेवेन्यू हैव ग्रोन ईयर ऑन ईयर, मतलब हमारे पिछले 3 सालों से रेवेन्यू बढ़ ही बढ़ रहा है, लेकिन लेकिन कॉस्ट हैव इंक्रीज एट अ हायर रेट इन द मोबाइल फोन इंडस्ट्री एज अ होल। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, रेवेन्यू इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट लीडर अभी भी बने हुए है, लेकिन प्रॉब्लम है कॉस्ट भी बढ़ रही है हमारे यानी पूरे इंडस्ट्री में। वी हैव बीन लीडर्स इन रेवेन्यू, वी मस्ट लीड इन कॉस्ट रिडक्शन फ्रंट एज वेल।
अब हमारा मैनेजमेंट, हमारा सीईओ बोल रहा है कि भैया ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर आप अपने लीडरशिप मेंटेन किया है पूरे मार्केट में, वॉल्यूम अपना सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, लेकिन अब हमें कॉस्ट रिडक्शन के एंड पर भी लीडर बनना है। आई बिलीव वी कैन अचीव दिस दिस विथ इंप्रूवमेंट ओवर टाइम। ओवर टाइम बोलो तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हाउएवर माइनर दे माइंड बी। दिस आर ऑल्सो द वर्ड दैट इंडिकेट दैट रीजन कॉस्टिंग विल बी एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन, है ना। दिस इज वॉट द सीईओ ऑफ अवर कंपनी टोल्ड इट्स डायरेक्टर इन अ रिसेंटली कंक्लूडेड बोर्ड मीटिंग। तो हमारा सीईओ यहां पर केजन कॉस्टिंग अप्लाई करना चाह रहा है। नेट प्रॉफिट हमारे मार्जिन कंपनी का 10% से कितना हो गया, 8%। उसके पीछे रीजन, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है और रिपेयरिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, ठीक है सर। अनादर, इस पे हमें फोकस नहीं करना है ये पॉइंट पे, रीजन क्योंकि हमें क्लियर कट बोला है आपको केजन कॉस्टिंग अप्लाई करके देना है वारंटी क्लेम प्रोसेस के लिए, जबकि रॉ मटेरियल के लिए हमें यहां पे नहीं बोलना है। यहां से अब अपना रियल क्वेश्चन चालू होता है, जो उनकी मैकेनिज्म है वारंटी का, उस पर अपने को बताना है कि कैसे अपन केजन कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। अनादर सिग्निफिकेंट राइज इन द कॉस्ट वाज ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर ऑफ मोबाइल विच आर अंडर वारंटी। हमारा प्रॉफिट कम होने के पीछे एक और रीजन है कि जो वारंटी में प्रोडक्ट है उनमें रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ते जा रही है। देयर इज एन इंक्रीज इन दिस रिपेयर कॉस्ट बाय 1.5 करोड़ विच रिप्रेजेंट 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी। और रिक्वायरमेंट पार्ट हमें बताता है कि हमें जो केजन कॉस्टिंग सामने वाले को अप्लाई करके बताना है वो अप्लीकेशन वारंटी क्लेम में ही बताना है। तो ये अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रोसीजर, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे इस प्रोसीजर को और इसमें वो लूप होल ढूंढेंगे जिसको अपन रिड्यूस करके, वाले खर्चे को रिड्यूस करके अपन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट के द्वारा अपन कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। तो इनकी प्रोसीजर क्या है आज, चलिए पहला स्टेप, पहली प्रोसीजर, कंपनी ओन 200 रिपेयर सेंटर इन वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया। कंपनी के पास कितने रिपेयरिंग सेंटर है भाई, 200 रिपेयरिंग सेंटर है, ठीक है। कस्टमर हू फोन इज अंडर वारंटी एंड रिक्वायर रिप्लेसमेंट और रिपेयर विजिट एनी ऑफ द 200 सेंटर टू डिपॉजिट द फॉल्टी मोबाइल फोन। एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है, जिस भी बंदों ने हमारे फोन परचेस किया है उसमें कुछ भी कंप्लेन आ रही है, चाहे वो रिपेयरिंग से रिलेटेड हो, चाहे बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका हो तो रिप्लेस करना है, वो कोई भी सेंटर जाता है और अपना फोन वहां पे ड्रॉप कर देता है कि भैया ये मोबाइल फोन में प्रॉब्लम है, मैं कब ले लूं, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक। टेक्नीशियन एट सर्विस सेंटर एग्जामिन द फोन, ये भी नॉर्मल, एविडेंस अपन एक्सेप्ट नहीं करते, अपन सामने वाले से पूछते हैं रिपेयरिंग सेंटर कि भैया बताओ क्या प्रॉब्लम है, हमारा बंदा उसको चेक करता है। यहां से प्रॉब्लम चालू हो रही है, एंड द सर्विस सेंटर sends the phone to a centralized repair center at Mumbai. आपने नाम तो दिया है रिपेयरिंग सेंटर, एक्चुअली रिपेयरिंग सेंटर नहीं आपके, ये सिर्फ इंस्पेक्शन सेंटर है, ये इंस्पेक्ट करते हैं और रिपेयरिंग के लिए ये वो मोबाइल फोन सेंट्रलाइज रिपेयरिंग सेंटर मुंबई में सेंड कर देते हैं। अगर बंदा बेंगलोर में है तो बेंगलोर में सिर्फ ये फोन कलेक्ट कर रहा है, वहां पे रिपेयरिंग वर्क नहीं हो रहा है, रिपेयरिंग वर्क के लिए ये सीधा मुंबई डिस्पैच कर देते हैं। आगे तो बढ़िया, द फोन आर सेंट टू मुंबई इवन फॉर माइनर रिपेयर विच कैन बी डन लोकली इफ रिक्विफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड टू द सर्विस सेंटर। इवन माइनर रिपेयर भी आप नहीं कर रहे आज सर्विस सेंटर पे, उसके लिए भी आप अपना मोबाइल फोन कहां पे भेज रहे हो, सेंट्रलाइज रिपेयरिंग सेंटर मुंबई में। तो पहली स्टेप नॉर्मल, 200 सर्विस सेंटर है। सेकंड स्टेप भी बहुत नॉर्मल, कस्टमर को जब भी प्रॉब्लम आती है वो 200 सर्विस सेंटर में अपना फोन दे देता है। थर्ड स्टेप का पहला पॉइंट भी बड़ा नॉर्मल है कि भैया बंदा एग्जामिन करता है, तो इसी पॉइंट के फिर सेकंड पॉइंट से अबनॉर्मलिटी चालू होती है कि माइनर रिपेयर हो चाहे मेजर रिपेयर हो वो रिपेयरिंग नहीं करता, वो सीधा उठा के कहां पे भेज देता है, मुंबई हमारे सेंट्रलाइज रिपेयरिंग सेंटर। फोन आर सेंट इन बैचेस, ईच सर्विस सेंटर क्रिएट 3 to 4 बैचेस ऑफ मोबाइल फोन इन अ डे। एक दिन में वो 3 से 4 बैचेस में मोबाइल फोन सेंड करते हैं सेंट्रलाइज रिपेयरिंग सेंटर को, जबकि हमारी स्टडी बताती है कि यार
वन डे वन बैच में भी सभी मोबाइल फोन हम कुरियर कर सकते हैं, ठीक है। फोन मुंबई पहुंच गया फोन, अब क्या, फोन्स आर रिपेयर्ड इन मुंबई सेंट्रलाइज सेंटर एंड सेंड बैक टू द रिस्पेक्टिव सर्विस सेंटर फॉर हैंडिंग देम बैक टू द कस्टमर। जो फोन मुंबई रिपेयरिंग सेंटर वाले को मिले उन्होंने उसको रिपेयर कर दिया या रिप्लेस कर दिया और रिस्पेक्टिव सर्विस सेंटर को दे दिया। फोन जो रिपेयर किए गए उन्हें सेपरेट बैचेस में भेजा गया वापस सर्विस सेंटर को, जो रिप्लेस किए गए उनको सेपरेट बैचेस में भेजा गया। ये हमारी प्रोसीजर है आज की। अब थर्ड रिक्वायरमेंट पार्ट जो बोल रहा है कि आप हमें अप्लाई करके बताइए कि वारंटी क्लेम प्रोसेस में आप केजन कॉस्टिंग कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपन बोलेंगे बंदों को ट्रेनिंग दो पूरे 200 सेंटर पे कि वो रिपेयरिंग का काम अब माइनर वाला खुद कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे यहां पे, 200 रिपेयरिंग सेंटर जो अपने पास है उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि वो माइनर रिपेयर तो कम से कम खुद करना स्टार्ट कर दे। सही है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये पॉइंट, ये गलत हो जाएगा बेटा पॉइंट। अगर आपने ये लिख दिया ना 200 रिपेयरिंग सेंटर को आप ट्रेनिंग दीजिए कि वो माइनर रिपेयर खुद कर पाए या हमारा इंप्रूवमेंट होगा, बिल्कुल जीरो मार्क्स देगा सामने वाला, क्यों देगा, ये इंपॉर्टेंट। सही क्या है वो बात की बात है ना, पहले ये जो पॉइंट है ये बच्चा लिखते और जैसे ही बच्चा पॉइंट लिखता हो सीधा आगे पढ़ता भी नहीं, आपको जीरो मार्क्स देता, फिर आईसीआई में कंप्लेन रहती क्या नंबर क्यों काटा, क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया ना बेटा। लिख क्या रहे हो, सामने वाला पूछ क्या रहा है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने ये बोल दिया कि पूरे 200 सेंटर को रिपेयरिंग के लिए ट्रेनिंग दे दो तो ये चेंज तो बड़ा वाला चेंज आ जाएगा, बिग इंप्रूवमेंट, जबकि हम क्या लगा रहे हैं, केजन कॉस्टिंग, माइनर इंप्रूवमेंट चाहिए भाई, ये तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा हमारी कंपनी में, और ड्रास्टिक चेंज लाया जाएगा ना भाई, उसके लिए टेक्निक है पीआई प्रोसेस इनोवेशन बीपीआर बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, वो वाले उसके मैटर। जब आप केजन कॉस्टिंग अप्लाई कर रहे हो ना तो आपको छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस लाना है, ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, इसीलिए वो नंबर आपको जीरो देगा। समझ में आया बेटा, कुछ भी नहीं लिखना है आपको, क्वेश्चन स्पेसिफिक लिखना है, वो माइनर इंप्रूवमेंट चाहता है, माइनर इंप्रूवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। माइनर इंप्रूवमेंट क्या होगा अब ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आप एनालिसिस करें कि छोटे मोटे माइनर रिपेयर कौन से सेंटर से सबसे ज्यादा आते हैं 200 में से, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चला इन 200 में से 10 रिपेयरिंग सेंटर ऐसे हैं जहां से माइनर रिपेयर वाले फोन बहुत ज्यादा आते हैं। अब माइनर इंप्रूवमेंट क्या होगा, उन 10 रिपेयरिंग सेंटर को आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो ताकि वो माइनर रिपेयर खुद कर पाए, ताकि वो माइनर रिपेयर खुद कर पाए। एक बार वो 10 को आपने ट्रेनिंग दिया तो अगले क्वार्टर में अगले हाफ ईयरली में आप अगले 10 सर्विस सेंटर को दो, तो धीरे आपको ये प्रोसीजर आगे बढ़ाना है और आज से 4-5 साल बाद पूरे 200 सर्विस सेंटर को आपको इस काबिल बना देना है कि वो रिपेयरिंग खुद कर पाए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एकदम से आपने बोल दिया कि 200 रिपेयरिंग सेंटर को ट्रेनिंग दे दो, ये कर दो वो कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले ये लिखिए 200 रिपेयरिंग सेंटर का एक एनालिसिस कीजिए, कहां कहां से माइनर रिपेयर आता है, जहां से माइनर रिपेयर आता है वहां के जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम दे रहा है वहां के बंदों को ट्रेनिंग दिया जाए कि वो खुद माइनर रिपेयर कर पाए। नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम भी कर सकते हैं, उन सेंटर के में आप वो सर्विस आउटसोर्स कर दीजिए, ढेरों बंदे अवेलेबल होंगे सिटी में रिपेयरिंग के लिए। तो एक काम कीजिए, मुंबई न भेजकर ये भी एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप कर सकते हैं कि जहां से माइनर रिपेयर हमारे बहुत ज्यादा आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं, तो जहां से बहुत कम आ रहे हैं हो सकता है भैया खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक काम कर दे अपनी रिपेयरिंग सेंटर सर्विस को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दे जहां से रिपेयरिंग का वॉल्यूम बहुत कम आता है, क्योंकि आपने खुद ये सर्विस सेंटर ओन करके रखा है तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये हुआ माइनर इंप्रूवमेंट, स्टार्टिंग धीरे धीरे करना ना। सेकेंड पॉइंट आप बोल सकते हैं उसमें कि भैया तुम एक दिन में हर सर्विस सेंटर 3-4 बार कुरियर करता है, अननेसरी 3-4 बार पैकेजिंग का खर्चा, कुरियर का खर्चा, तो एक काम करें ना भाई, आप एक पॉलिसी बना लो कि भैया आप इस 5 बजे तक रुक जाओ, 5 बजे तक जितने मोबाइल फोन आपके पास आए हैं अगर आपको सेंट्रलाइज सर्विस सेंटर में भेजना ही है तो आप एक साथ भेजिए ना भाई,
उसको अलग अलग तीन चार बैचेस में बेचकर आप अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही छोटा सा एकदम माइनर इंप्रूवमेंट है, लेकिन आपके इससे खर्चे बहुत बच जाएंगे। जो आज की तारीख में हर सर्विस सेंटर से चार मान के चलिए कुरियर आ रहे थे, ऐसे 200-800 कुरियर आ रहे थे, तो भेजने वाले को भी टेंशन है, रिसीवर को भी टेंशन है। तो एक काम करें, अब 200 सर्विस सेंटर है तो हर सर्विस सेंटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि एक दिन में एक से ज्यादा मोबाइल फोन आपको ट्रांसफर, बैच ट्रांसफर नहीं करना है। जितने मोबाइल फोन इस टाइम तक आ जाए वो आप उससे बाद वो हमें सेंड कर दीजिए। मतलब पॉलिसी बनाइए कि वन डे वन ट्रांसफर, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। फिर ये फोन रिपेयर कर दिए जाते हैं। फिर यहां पे भी एक आप बोल सकते हो कि भैया जो रिपेयरिंग वाले फोन है वो सेपरेट भेजे जाते हैं कुरियर के द्वारा और रिप्लेस वाले सेपरेट। तो भाई एक काम करो ना, एक बड़े बॉक्स में आप बायफर्केशन कर दो, रिपेयरिंग वाले फोन को अलग, रैपिंग तो होती होती है उसमें कि भैया ये वाला फोन याले नंबर का है, याले कस्टमर का है, इसको रैप करके दे दो। लेकिन एक ही अगर आप कंटेनर में, एक ही बॉक्स में अगर उन दोनों को भेजेंगे तो डेफिनेटली आपका पैकेजिंग कॉस्ट भी बचेगी, प्लस आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगा, टाइम भी सेव होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, जहां आपने ये लिख दिया कि 200 सर्विस सेंटर थे उनको ट्रेनिंग देकर वहीं पे रिपेयरिंग कराना चालू कर दो तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने मेजर इंप्रूवमेंट ला दिया, जबकि हमें यहां पे चाहिए माइनर इंप्रूवमेंट ही चाहिए, क्लियर है। तो माइनर इंप्रूवमेंट के लिए ये चीज अपने को करना है। और भी जो पॉइंट्स आपको इनोवेटिव लगते हैं वो बिल्कुल आप लिख सकते हो। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस शर्त एक है, पहले आपने पढ़ने का तरीका बहुत प्रॉपर रखा है, पहला न्यूज़पेपर रीडिंग, फिर रिक्वायरमेंट पार्ट, और रिक्वायरमेंट पार्ट में क्वेश्चन पता है आपको इस चैप्टर का है, फिर भी लगातार आपको अपने लेवल पे पूछना है, क्यों मैं मानूं कि ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, कहां ऐसा दिया है जिसके द्वारा मुझे पता लगा। तो ये टेक्निक रखिएगा, कभी भी कोई पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, और मैं गारंटी दे रहा हूं सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आपको कोई पेपर में होगा ना, वो पेपर नंबर 6 में होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है तो बड़ा टफ भी, टफ उनके लिए जो इंटरप्रिटेशन स्किल नहीं आती है। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है वो, बहुत अच्छा आपको रियल लाइफ में काम आएगा, क्योंकि वहां पे बुक्स सब आपको दे दी जाएगी, कोई आपको कंटेंट नहीं पूछने वाला व्हाट डू यू मीन बाय केजन कॉस्टिंग। अगर ये क्वेश्चन मान लो ओपन बुक पेपर में आता और आपके यहाँ केजन कॉस्टिंग का ढेरों मटेरियल भी रहता तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि मेन है यहाँ पे अप्लीकेशन पार्ट, और अप्लीकेशन पार्ट की शुरुआत कभी भी ऐसा नहीं कि बैच खत्म हो जाए उसके बाद करें। बैच जब स्टार्ट कर रहे हैं अपन लेक्चर, तब से ही अपने को ये करना है, ताकि लेक्चर खत्म होते होते अपने आप 50-60% लेवल आ जाए इंटरप्रिटेशन स्किल का, पर तो रिवीजन करेंगे डेफिनेटली एग्जाम के पहले तो पूरा लेवल आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था यहां पे माइनर इंप्रूवमेंट, क्लियर बेटा। चलिए तो आज अपन ये वाला जो पार्ट है कंपेरेटिवली थोड़ा कम रखते हैं, है ना, लगभग 1 आवर 40 मिनट्स के आसपास हुआ है यहाँ पे अपन, तो जो बचा हुआ टाइम अपना 15-20 मिनट वो अपन जो सेकंड पार्ट है उसमें कंपेरेटिवली ज्यादा दे देंगे, क्योंकि आज नया पढ़ के कोई मतलब नहीं। नया क्या पढ़ना है अपने को, 5S, ये भी एक लीन सिस्टम का पार्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है ये, कल अपन इसको स्टार्ट करेंगे 5S को। इसके साथ ही अपन एक दूसरा कंसेप्ट भी चालू कर देंगे इसमें अपन, TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, है ना, 5S अपने आप में बहुत छोटा, ठीक है। तो आज अपन फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही रखते हैं, सेकेंड पार्ट अपन ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, चलिए।